नमस्कार ख़ास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं सुधांशु रंजन और इस बार हमारे मेहमान हैं भारत सरकार में पशुपालन मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के एक चर्चित चेहरा हैं और जिनके बयान मीडिया में सुर्खियां बना करते हैं तो आपका स्वागत है गिरिराज जी डी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी को कृषि विभाग से अलग करके एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया है और आपकी पसंद का मंत्रालय इसके पहले भी आपने काम किया बिहार में भी काम किया इस मंत्रालय में और आपने गांव में ग्रामीण विकास के लिए अपने क्षेत्र नवादा में काफ़ी काम किया था जो आपका पहला तो बेगूसराय के सांसद हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये पशुपालन मत्स्य पालन और ये डेयरी है इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि किसान किसानों की आय वृद्धि में बहुत जो है क्रांतिकारी कदम आने की उम्मीद है आप ऐसा कहा भी है कि इसके माध्यम से किसानों के मध्य काफ़ी बढ़ सकती है देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आखिर प्रधानमंत्री को क्या जरूरत हुई इस विभाग को मंत्रालय बनाने का पशुपालन डेयरी एंड मत्स्य मंत्रालय किसानों की आमदनी कृषि आधारित पशुधन के कारण ही होने वाला है एक फिगर आपको दिखाता हूं सत्रह अठारह का देश में जो गेहूं का उत्पादन हुआ जो चावल का उत्पादन हुआ दोनों को जोड़ लेंगे तो लगभग चार लाख करोड़ का है और दूध का देना तो 6 लाख करोड़ प्लस में है यानी किसानों की आर्थिक उन्नति पशुधन के साथ जुड़ा हुआ है कृषि में ठीक है अभी काम बहुत करना है लेकिन हम छोटे से स्थान पे हम पशु रखते हैं तो हमारी आर्थिक उन्नति होती है इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस डिपार्टमेंट को अलग किया है दुनिया जानता है फलाने डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट करता लेकिन आपको भी नहीं ध्यान में होगा कि पशुपालन डिपार्टमेंट भी सत्तर पचहत्तर हजार करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं आपके ध्यान में आम लोगों हाँ चर्चा नहीं होती नहीं होती है जे। अब हम झिंगा मछली भी एक्सपोर्ट करते हैं बोबाइन मिट भी करते हैं हमारे सामने चुनौती है कि अब हम ये सत्तर पचहत्तर को डबल कैसे करें और मोदी जी के कारण ही ये हुआ है इसी सरकार के कारण हुआ है तो हमें एक तरफ एक्सपोर्ट को भी करना है दूसरी तरफ किसानों की ताकत को बढ़ाना है किसान की ताकत अब नॉर्थ ईस्ट को ले तो वो सबसे बड़ा यूजर है पोर्क का सुअर के मांस का बहुत बड़ा ऐसे देश में अन्य जगह भी इसकी खपत है अब हम मेरे मेरा प्लानिंग है नॉर्थ ईस्ट को हम सेचुरेशन पर पिग फार्मिंग में ले जाएंगे पहली शुरुआत हम कर रहे हैं मेघालय से दूसरा होगा नागालैंड इसी ढंग से सातों राज्य से अगर गरीबों की बात करें तो बकरी जब तक रहता है गांधी जी ने कहा कि गरीबों का एटीएम है तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं यानी ये डिपार्टमेंट अगर हम एक एकड़ मछली तालाब लगा के करते हैं तो वो आने वाले समय में किसान को तीन लाख पाँच लाख रुपया देता है मैं कई चीजों को मछली से लेकर के बकरी भेड़ मुर्गी सुअर गाय गाय का ब्रीडिंग अपने आप में एक चैलेंजिंग है भारत के लिए उसमें आगे मैं बताऊंगा आपको तो यानी पशुधन का पूरा मतलब उसमें एक नहीं है गाय बकरी भीड़ आपने सब कहा कि सबका विकास होने वाला है और गाय की आपने चर्चा की एक तो उसमें दो बातें हैं कि गोपालन में बचपन में देखता था कि काफ़ी घर में वो उनका कोई भी काम हो वो शिक्षक हो वकील हो डॉक्टर हो सरकारी नौकरी में हो वो गाय पालते थे आजकल देखते हैं वो उनकी संख्या कम होगी केवल किसान या कुछ खास लोग हैं जो गोपालन में लगे हुए हैं तो एक ये इस तरह की बात हो गई है दूसरी बात यह है कि अभी जो गोपालन को लेकर कई बार विवाद भी होता है गाय को मार दिया जाता है उसमें एक बात सुनने में आई है कि अब ऐसा हुआ कि अब जो है सो बछड़ा ना के हो केवल बाछी हो गाय ही पैदा हो और उससे ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी क्योंकि जो कहते हैं बीफ है गाय के मांस का जो निर्यात है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके लिए गाय को मारा जाता है तो इस बारे में मंत्रालय क्या काम कर रहा है सरकारी तौर पे हम गाय का मांस नहीं एक्सपोर्ट नहीं आप हैं। नहीं करते सरकार नहीं करती है प्राइवेट व्यापारी करते हैं अपराधिक मामले बनते हैं उन पर तो उन पर कार्रवाई भी होती है हमारा उद्देश्य है गाय के नस्ल का सुधार करना और एक अब नई चीज लाने जा रहे हैं जो सॉर्टेड सैक्सीमन केवल बछिया पैदा होगी तो किसानों की ताकत बढ़ेगी अगर हमने एक ला एक करोड़ डोज किसानों के बीच दिया तो सावा से डेढ़ लाख करोड़ की आर्थिक संवर्धन आप आप बोले कि ये जो सेक्स सीमेंट है इसमें मतलब प्रयोग हो चुका है उसमें कन्फर्म है पक्का है कि वो बचिया ही होगी बाछा नहीं होगा देखिए इसमें दस परसेंट बछड़ा भी हो सकता है दस ही दस अधिक से अधिक दस दस, दस, दस प्रतिशत अभी हम इस साल आ, मेरा पूरा विश्वास है कि मैं 2019 में 30 लाख डोज 20 लाख जो हमारे हमने लैब शुरू की है उस लैब से 10 लाख जो ये पूरी दुनिया में अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है तो एक डैडी है वो भी चितले डैडी, वो उनके साथ कर रहा तो मैं मान के चलता हूँ तीस लाख डोज इस साल होगा मेरा लक्ष्य है 2025 तक जो दस करोड़ मेरे बोवाइन एनिमल हैं दूध देने वाली एनिमल उन तक अगर हम ले गए इसको उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं अभी तो शुरुआत किए हैं अगले साल के अंत आते आते मैं मिनिमम एक करोड़ तक रहूँगा ऐसा मेरा प्लानिंग है और 2025 तक एग्रेसिवली जाएंगे अभी छः सौ रुपया में किसान छः सौ रुपया केंद्र और राज्य जो राज्य मिलकर के करते हैं क्योंकि विदेशी टेक्नोलॉजी है उनको देना पड़ता है आगे हम अगले साल फर्स्ट उसके दाम को और घटा रहे हैं 600 सौ तक लेकिन भारत के अंदर भी भारत सरकार इस पर काम कर रहा है और लैब टेस्ट हो चुका है तो मैं किसानों को कम से कम कीमत पर ये उपलब्ध कराएंगे और मैं तो जब कल्पना करता हूँ किसानों का जान सभी जानवर को अगर मैंडेटरी मैंने ये कर लिया तो 12 से 15 लाख करोड़ का एडिशनल वेल्थ किसानों के हाथ जाएगा दूसरा मैं कर रहा हूँ ये तो जो मेरे पास जर्म प्लाज्म होंगे जो सीमेन होंगे उनको हम सॉर्टेड सेक्सम माने मन, बचिया लेकिन अच्छे अच्छे जर्म प्लाज्म जो सीधे ईटी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट अभी हम 36 स्थानों पर ये काम जो अच्छे नस्ल के जानवरों का एम्ब्रियो हम अपने गायों में दे करके अच्छे बुल तैयार करेंगे अच्छी फीमेल तैयार करेंगे 36 स्थानों पर ये भी 2020 में सारे ऑपरेशनल हो जाएंगे अब आई टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे टेस्टिव बेबी हाँ जो आप उससे भी एक और ऊपर आ गया है अभी हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन उम्मीद है लेकिन थे? आप जो है पशुओं के ऊपर भी इसका प्रयोग करने जा रहे हैं हाँ हाँ ये शुरू है शुरू कर चुका शुरू कर चुका हूं लेकिन मास हम 2020 तक में ये सॉर्टेज सैक्सीमन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आई अप, ये सब मास स्केल पर हम करेंगे जब ये करेंगे तो नस दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा बछिया होगी तो किसानों की आय भी बढ़ेगी तो हम यही नहीं कर रहे हैं आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब धरती पर हम उपकार करें काफी धरती पे बोझ पड़ गया है ये बोझ किस चीज का बढ़ा है दवा का रासायनिक खाद का उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हम प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार हम आते ही काम शुरू कर दिया है अभी एक गांव को चिन्हित किया हूँ। जहाँ एक घर में नए टेक्नोलॉजी से बायोगैस लगाया उसकी सैलरी को एन के थ्रू सैलरी दो रुपये लीटर या किलो उसको खरीदने का अब केवल उस गांव का नाम है जकड़िया। कहाँ पर ये आनंद डिस्ट्रिक्ट में है अब वो छियासठ लाख रुपया दूध से उस गांव को एक साल में आता तीन सौ अड़सठ घर हैं जो एक हजार बावन को रख रहे हैं बाईस टन प्रतिदिन बायो सैलरी हो रहा है दो रुपए किलो से अब एक करोड़ तिरसठ लाख अब गैस का कीमत जोड़ ले तो दो करोड़ तो सीधे तीन गुना तीन, तीन गुना तीन गुना, तो गुना हो गया अभी मतलब प्रधानमंत्री दो गुना की बात कर रहे थे आप तो तीन गुना तक पहुंच गए तीन गुना तीन गुना हम ये करके जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो गया वो खाद भी जो बनेगा वो रासायनिक खाद के गुणवत्ता के बराबर या बीस है है। ये तो नवादा में भी आपने प्रयोग किया नवादा था। में भी किया था उसी टेक्नोलॉजी को हम और जितना खाद रासायनिक खाद यूज करते हैं किसान खेत में उतना ही क्वांटिटी ये करेंगे बायो कंपोस्ट जितना दाम लगता है किसानों को उतना ही दाम होगा और जितनी उपज होती है उससे दो किलो अधिक उपज होगा ये हमारा थीम प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने का एक तरफ डबल नहीं ट्रिपल इनकम एक को तो हम अभी बोल नहीं रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट होगा तो मेरे जीवन धन हो जाएंगे मैं फिर लगेगा कि मैंने देश के लिए कुछ किया ये विभाग दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग ये दोनों हम साथ साथ कर रहे हैं एक गिरिराज जी ये दूध में मिलावट की जो एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस बारे में क्या प्रयास है मंत्रालय के कि लोगों को शुद्ध कई बार रिपोर्ट आती है कि दूध में ये केमिकल मिला दिया गया फला मिला दिया गया ये बीमारियां हो रही हैं और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है मैं मैं भी देखते रहता हूँ सुनते रहता हूँ और नकारता भी नहीं कि ऐसा नहीं होता लेकिन मेरी लाचारी है कि ये काम हम नहीं करते ये काम हम करते हैं क्लीन मिल का भी हमने प्रोजेक्ट चलाया है जो मिल कॉपरेटिव यूनियन को ऐसी मशीनें दे रहे हैं जो कोई भी मिलावट करके जाएगा तो पकड़ा जाएगा लेकिन जो देश में फिर भी लोग कर रहे हैं उसके लिए फसाई एफ एस एस ए आई वो मेरे लिए काम कर रहे हैं उम्मीद है हम उनके साथ मिलकर के हर स्टेट में कुछ लैब का भी व्यवस्था करेंगे दोनों मिल के कि तुरंत जांच हो पकड़े जाए कानून में भी परिवर्तन ऐसा आए कि कठोर से कठोर सजा हो हम इसके भी हैं हम इसको भी चाहते हैं कि कानून एक ऐसा कानून बने कि मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो जैसे आप किसी 302 दो है 307 सात है या अन्य कानून है कड़ा से कड़ा कानून क्योंकि आप उसके जीवन से खेलते हैं वो है, है। है है। कर है। मत्स्य पालन में कहते हैं कि जितनी क्षमता है खास करके भारत का जितना बड़ा समुद्र का इलाका है जुरिस्टिक्शनल वाटर उससे जितना उत्पादन संभव है उससे भी काफी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या योजना है मंत्रालय देखिए मेरा आग्रह होगा आप लोग एबेर करें देश में लगभग आठ हजार किलोमीटर समुद्र का किनारा है छोर। अब बारह माइल नॉटिकल माइल स्टेट उसको देखता है और उससे ऊपर 200 माइल यानी 300 सौ साढ़े तीन, तीन किलोमीटर तक जो भी 200 नॉटिकल माइल हम देखते हैं जो किनारे में मछलियाँ हैं जो समुद्र है उसमें मछली कम है दूर जाना पड़ता है। क्योंकि लोगों ने बड़ा गुनाह किया मछली तो मारा न उसके लिए हम भी अपने आप को दोषी मानते हैं राज्य सरकार भी दोषी है और मछली मारने वाले भी दोषी हैं बैन पीरियड में भी मार लेते हैं जिसमें उनका ब्रीडिंग होता कानून है अनुपालन नहीं हो अनुपालन नहीं हो पाता और रेंचिंग उसमें बीज डालने का काम तो अब हम अभी तमिलनाडु सरकार से मिलकर के एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं डीप सी वैसिल और उसमें मदर यूनिट होगा और जब एक बार जाए तो पंद्रह बीस दिन उनके साथ जिससे मछुआरे की आमदनी बढ़े हम समुद्र का भी कर रहे हैं जो ब्रैकिस वाटर है खारा जल है वो बारह लाख तेरह लाख हेक्टर है हम अभी डेढ़ पौने दो लाख हेक्टर में दो लाख के नीचे हेक्टर में कर रहे हैं अभी पैंतालीस सैंतालीस लाख का हम फीस प्रोडक्ट को मेरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमने तय किया है उसको बढ़ावा देने का केवल वही नहीं देश के अंदर उत्तर भारत में इनलैंड फिशरी है उसमें हमारा अभी प्रोडक्शन तीन टन प्रति हेक्टर है ये हम बढ़ाना चाहते हैं एरिया भी बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहते हैं और एक काम और करना चाहते हैं वो काम है मीठे जल का प्रॉन एस पी बोलते हैं उसको भी हम अब प्रमोट करेंगे चलिए यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारे और सवा, सवाल हैं राजनीतिक सामाजिक सवाल उनके बारे में हम जानेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से आप बने रहिए हमारे साथ बहुत जल्द वापस होंगे पक्की होगी बुनियादे तो हजें हिंदुस्तान वंडर सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत। भैया दो कोल्ड ड्रिंक देना तीस रुपए दे दो पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ चौबीस रुपए हुए एमआरपी को छोड़ो ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते ये गलत है जी हाँ एम आर पी हर ग्राहक का हक है अगर कोई दुकानदार एम आर पी ऐसी अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं जादो ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया लेकिन ये क्या ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान जाने उनके नियमों को टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान जागो ग्राहक जागो हेलो कौन नमस्कार मैडम जी, जी हम दस। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा सोचा आपको बता दे आप की अब दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ओ आर एस और जिंक है ना दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है इसलिए दस्त शुरू होते ही ओ आर एस और जिंक शुरू करें दस्त के लिए तैयार रहना घर में ओ आर एस और जिंक है ना सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी पर एक वी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से इसीलिए कहते हैं भैया अपना लो फायदे में रहोगे क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है ग्राहक होने के नाते धोखा क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं मेरे साथ भी धोखा हुआ था। बस अपनी शिकायत लिखी अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी न वकील की फीस लगी और फैसला भी तीन महीने में आ गया आप भी सोचिए मत अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए जागो जागो सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश तो लगभग इतनी जेबें भी होंगी पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से इसीलिए कहते हैं भैया अपना लो फायदे में रहोगे अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं भारत सरकार में पशुपालन मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह से गिरिराज जी आप अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक आक्रामक नेता माने जाते हैं आपके बयान मीडिया में सुर्खियाँ बटोरते हैं लेकिन वो तो खैर बाद में हम चर्चा करेंगे अभी जो कई कदम भारत सरकार ने उठाए हैं वो तो आपके दिल के अनुरूप है तीन ख़त्म किया गया तीन तलाक खत्म किया गया तो एक छोटी टिप्पणी पहले उस पर चाहूंगा फिर मैं और सवाल करूंगा देखिए मेरा आग्रह होगा मीडिया से मैं भी एक नागरिक हूं भारत के आप जैसे नागरिक पूरा देश चाहता था एक भारत एक कानून हो तो 370 हटने से केवल भारत अखंड भारत का एक कड़ी आगे नहीं बढ़ा बल्कि कश्मीर में जो बरसों से तीन चार परिवारों ने ग्रैब करके रखा था चुन पंचायत का चुनाव नहीं विकास नहीं अगर विकास था तो कुछ परिवारों का अब एक खुशहाली का माहौल और कश्मीर में ताकत है स्विट्जरलैंड बनने का प्रकृति ने वो आबोहवा दी है लद्दाख में वो ताकत है तो ये जब अपॉर्चुनिटी uh, उसको मिलना चाहिए टूरिज्म डेवलप करेगा विकास होगा अब देखिए हम जिस विभाग में हैं उसमें ताकत है ट्रॉट फिश का कोल्ड वाटर है जो दुनिया में बड़ा तो, अब तो आप करेंगे स्वतंत्र हैं हाँ करें और मैरिनोशिप जिसे आप मेरिनो उल कहते हैं उसी मेरिनो सिप से होता है अब हम उसको प्रमोट करेंगे कश्मीर के अंदर तो जो हम नहीं कर पाते थे अब वो करेंगे जनहित में ऐसा करेंगे कि किसानों की आमदनी बढ़े और मैं आपको वादा करता हूं कि भारत की सरकार तो वहाँ सर्वांगिक विकास के लिए करेगा ही हर योजना हम अपने डिपार्टमेंट को भी उससे जोड़ेंगे भारत की सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जो कश्मीर की जनता बेरोजगारी से जूझ रहा है उसका भी निजात मिलेगा वहाँ के किसानों को भी खुशहाली का आनंद आएगा हम दोनों काम करेंगे बहुत अच्छी बात है कश्मीर अब चूँकि सही कहा आपने और ये तो चर्चा है ही अब एक विधान है पूरे देश में अब भारत का वैसा ही राज्य है जैसा कि कोई अन्य राज्य हो बिहार हो कर्नाटक हो महाराष्ट्र हो लेकिन और भी आपके बयान हैं जो कई बार आपके सहयोगी दल हैं उनके भी ख़िलाफ़ चला जाता है जैसे आपने हाल में बयान दे दिया था नीतीश कुमार किफ्तार पार्टी पे तो आपकी की पार्टी के नेता सुशील मोदी ने कह दिया कि गिरिराज जी तो होली होली मिलन कार्यक्रम भी नहीं करते हैं वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं और मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा मेरी भावना है कि देश के अंदर जो कटु सत्य है मेरे मुंह पर कहें ना कहें मैं तो होली इसलिए नहीं कि मेरे घर में कुछ हुआ है एक मान हो गया है कि होली नहीं मनाया हो जाता है कभी कभी आ, कोई मौत हो गई उस मौत हो जाती है पूर्वजों में कुछ आ, हुआ आ, कुछ हुआ, हुआ।, 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 हुआ लेकिन मैंने शुरू की है वही मैंने कहा दुर्गा पूजा नवरात्र में फलहार का कार्यक्रम वही तो आपने नीतीश जी के लिए भी कहा था कि इफ्तार की जगह फलाहार भी करें नवरात्र में मैं सबको कहता हूं कि भाई केवल वोट की राजनीति ना हो सामाजिक समरसता की भी राजनीति हो और मुझे फक्र है मैं थोड़ा सा भी बिछली तर नहीं होता हूं भारत मैं सेकुलरिज्म शब्द श्रीमती गांधी ने लाया था नहीं उन्होंने संविधान में जोड़ा संविधान तो सेकुलर था ही क्योंकि हमारे यहां अनुच्छेद चौदह पंद्रह सोलह सब कहता है कि बराबरी का अधिकार है चाहे कोई संप्रदाय हो कोई जाति हो कोई लिंग हो कानून से ज्यादा इस देश का बहुसंख्यक जिसे सनातन कहते हैं उसके रगरग में है क्या है सर्वे भवन तो सुख न सर्वे संतो निराम है किसी कौम की बात नहीं की है वसुधैव कुटुम्ब कम पूरे संसार की कामना की है तो गलत अर्थ लगा करके बोट के सौदागरों ने देश में दो रेखा खींच दिया हम उसके विरोधी लेकिन आप क्या आलोचक कहते हैं कि गिराज जी ऐसे बयान दे देते हैं जिससे खास समुदाय के अंदर डर पैदा होता है <laughs> देखिए मैं अभी नहीं कुछ बोलूंगा बाद में कभी बोलूंगा मेरे बयान तो सामाजिक समरसता के लिए होते हैं। मेरे बयान में विभेद नहीं होता और मेरे बयान में थोड़ी सी कटु सच्चाई होती जो कटु सच्चाई कुछ लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है समय आएगा वो भी स्वीकार है चलिए एक अंतिम प्रश्न आप बिहार से हैं बेगूसराय के सांसद हैं बिहार में नीतीश कुमार के साथ मंत्री भी थे लेकिन नीतीश कुमार से पता नहीं आपके संबंध माना जाता है बहुत अच्छे नहीं रहे अब आप ही बताएंगे कैसे रहे अगला चुनाव तो सुशील मोदी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार में क्या टिप्पणी है आपकी नहीं सुशील मोदी ने भी कहा आरसीपी सिंह साहब जो राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके महामंत्री भी हैं उन्होंने भी कहा है और 370 पर भी आरसीपी सिंह का स्पष्ट बयान रहा कि मेरा मतभेद था लेकिन अब जब सदन से पास हो गया है अब कोई मतभेद उस समय तो विरोध किया ना हालांकि वाकआउट करके एक तरह का समर्थन भी होता है वॉकआउट किया तो विरोध में तो मतदान नहीं किया अब मैं समझता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में दोनों मिल के लड़े हैं आगे पार्टी जो निर्णय करेगी मुझे तो लग रहा है जब बिहार के नेता हैं सुशील मोदी और आरसीपी सिंह हम तो कार्यकर्ता हैं। नेता तो आप भी हैं ऐसी क्या बात है आप के, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री होने के मतलब ये नहीं होता है वो पार्टी का डिसेसिव होता है हम एक कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ता जो पार्टी तय करती है उसका डंका बजाते हैं चलिए गिरिराज बाबू बहुत धन्यवाद आपने दूरदर्शन न्यूज़ को समय दिया बहुत धन्यवाद और ये थे गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में पशुपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री इस साक्षात्कार को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद नमस्कार